हिंदू धर्म में वैसे तो प्रत्येक महीने का अपना एक खास धार्मिक महत्व होता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक के महीने की। जी हाँ, कार्तिक का महीना हमारे सनातन धर्म में सबसे ज्यादा पुण्य और सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाला कहा गया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कार्तिक के महीने में आपने क्या एक काम करना है जिससे आपकी जो दुकानदारी है वो चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। यूं तो दुकानदारी से जुड़े हुए, व्यापार से जुड़े हुए अलग-अलग नए-नए उपाय मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, लेकिन आज जो उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये उपाय इसका जो रिजल्ट है वो आपको करने के कुछ दिनों में ही प्राप्त होने लग जाएगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, ऐसे उपाय आप बताएं जिनको करने के बाद रिजल्ट हमें जल्दी जल्दी मिले। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको रिजल्ट जल्दी मिले, आज का उपाय आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही, आपका कोई बिजनेस है वो नहीं चल रहा, तो आपको आज का ये एपिसोड पूरा देखना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कोई उपाय कभी रिजल्ट नहीं देता। ध्यान से उपाय को समझ करके करना है ताकि आपको जल्दी जल्दी अच्छे रिजल्ट मिले। तो चलिए अब शंकर जी को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी भक्तों के सामने आज के इस नए एपिसोड के साथ। कार्तिक का महीना अक्टूबर नवंबर में आता है और इस महीने को साक्षात विष्णु भगवान की कृपा देने वाला महीना कहा गया है। इस महीने में लोग गंगा, यमुना इत्यादि जो हमारी पवित्र नदियां हैं वहां पर जाकर के स्नान करते हैं। कार्तिक के महीने में ही दशहरा, दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, अब देखिए इतने प्रमुख त्योहार कार्तिक के महीने में आ रहे हैं। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इस महीने की कितनी महिमा होगी, इस महीने का कितना ज्यादा फल होगा। प्यारे बंधुजनों, उपाय वही रिजल्ट देता है जिसको सच्चे मन से किया जाए। आधे अधूरे मन से किया गया कोई उपाय कभी रिजल्ट नहीं देता। उपाय मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, इस एपिसोड को देखने के साथ साथ इसे अपने ताऊ, ताई, चाचा, चाची, मामा, मामी, फूफा, बुआ उन लोगों के साथ, परिवार वालों के साथ भी शेयर जरूर करें, क्योंकि अच्छी अच्छी जानकारी हर रोज हर कहीं नहीं मिलती। तो चलिए आज का उपाय हम शुरू करेंगे। बड़े ध्यान से आपने उपाय को सुनना है। प्यारे बंधुजनों, कार्तिक का जो महीना होता है, इस महीने में जो सूर्य देवता होते हैं वो तुला राशि में होते हैं और तुला राशि में सूर्य भगवान को सबसे नीच का या सबसे खराब माना जाता है। सूर्या जो है सारे जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्या बिजनेस को बढ़ाने वाला होता है, सूर्या आपकी दुकानदारी को चलाने वाला होता है, सूर्या आपके लाभ को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में वही सूर्या जो है नीच का हो जाता है, जिसके कारण उसका बल भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ये उपाय आप करेंगे सूर्य को बल देने के लिए। हर सुबह अपनी दुकान में तांबे के लोटे में ताजा जल भर करके आप रखेंगे, उसके बाद दुकान में पूजा पाठ करेंगे और आपने सूर्य देवता के जो नाम है उन 12 नामों का जाप करने के बाद जो लोटे का जल है वो सूर्य भगवान को ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम
घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए अर्पण कर देना है। पूरे कार्तिक ये कार्य आपने करना है, बीच में कोई भी दिन नहीं छोड़ना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कार्तिक के ये उपाय करते करते ही, इस कार्तिक के समाप्त होने से पहले ही आपको जो रिजल्ट है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। सूर्य नारायण की कृपा से आपके सभी बिगड़े हुए काम बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन जितना ज्यादा मन से, जितना ज्यादा भाव से आप इस उपाय को करेंगे, उतना ही जल्द आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो आशा करता हूं जानकारी आपको बेहद पसंद आई है। लाइक शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे कल किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय।